वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस एक्वेरियस। एक्वेरियस इस रीडिंग को करने का इंटेंशन ये है कि हमें आपके आने वाले 6-7 महीनों के बारे में पता चल सके कि आपका फ्यूचर किस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है। ओके एंड क्योंकि ये जो रीडिंग है ये आपकी लाइफ स्टोरी होने वाली है, तो हम आपके पास्ट में भी जाएंगे, हम ये भी देखेंगे कि आपका पास्ट कैसा रहा है, और सबसे पहले पास्ट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। और पास्ट में आपके कुछ सालों पुरानी चीज़ें भी आ सकती हैं, आपके बचपन की चीज़ें भी आ सकती हैं, आई डोंट नो कि क्या आएगा पास्ट के लिए। और प्रेजेंट भी हम देखेंगे, प्रेजेंट में प्रेजेंट आपका किस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है, आपके प्रेजेंट की अंडरस्टैंडिंग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। ओके कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और उसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आएंगे जहाँ पे हम आपका फ्यूचर देखेंगे। और मैंने इंटेंशन रखा है कि ये रीडिंग स्पेशली आपका जो फ्यूचर है उसके मैसेजेस बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट आए। मैंने आपके लिए प्रेयर्स की है, मेडिटेशन किया है कि हमें बहुत ही एक्यूरेट मैसेजेस मिलें। और इसी रीडिंग के अंदर हम ये भी देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं ऐसी जो आपकी लाइफ को ब्लॉक कर देती हैं कई बार, या फिर आपको स्टक रखती हैं, या फिर क्यों कभी कभी आपके काम डिले हो जाते हैं, क्या कोई कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है, क्या कोई ऐसे लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, ये सब भी हम एंड में देखेंगे। ओके एक्वेरियस, एंड जस्ट डू रिमेम्बर के कीप दैट इन माइंड कि ये सारी रीडिंग्स करने में बहुत सारी टाइम एनर्जी और बहुत सारी प्रिपरेशन लगती है। तो अगर आपको इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके तो एक्वेरियस, जो पास्ट में आपकी एनर्जी जो दिख रही है, या फिर पुरानी भी एनर्जी हो सकती है, बहुत पुरानी भी हो सकती है, कुछ सालों पहले की भी हो सकती है और कुछ महीनों पहले की भी हो सकती है, ऐसा लग रहा है कि लाइफ में बहुत बार आप अकेले रहे हैं, बहुत सारा बहुत कुछ लाइफ में आपने अकेले अचीव किया है। आप एक ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो यूनिवर्स से हमेशा से कनेक्टेड रहा है, या फिर हमेशा आपका एक स्पिरिचुअल साइड रहा है या फिर रिलीजियस साइड रहा है। यू आर समवन कि आपकी लाइफ में कुछ होता है स्पेशली पास्ट में, तो आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ सर्चिंग मोड में चले जाते हैं। जहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ होता है तो आप खुद बैठ के उसके बारे में सोचना पसंद करते हैं, आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, या फिर जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसके बारे में जो थॉट प्रोसेस है आपकी वो अकेले आप करना पसंद करते हैं। तो द हर्मिट एक ऐसा इंसान है जो अपनी प्रॉब्लम्स को मोस्टली अकेले सॉल्व करने की कोशिश करता है और अपनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग अकेले ही लेने की कोशिश करता है। ये एक ऐसा पर्सन नहीं है जो बार बार लोगों के पास जाए हेल्प के लिए। दिस पर्सन इज समवन जो कि अपने आप में रहता है, या फिर especially when it comes to life में कोई problem चल रही है तो खुद के साथ बैठ के उस problem को solve कर रहे हैं, या फिर universe से connected हैं, divine से connected हैं, इस type की आपकी energy past की दिख रही है। at the same time आप ace of cups की energy में भी दिख रहे हो past में। past में I don't know कि अभी क्या चल रहा है, maybe आपकी अभी की personality के बारे में भी हमें पता चलेगा जब हम present के बारे में बात करेंगे, बट आपकी पास्ट की पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा लविंग दिख रही है। आप यू आर समवन जिसे प्यार देना लोगों को पसंद है, या फिर यू आर समवन जो जिसे पास्ट में लोगों के लिए लोगों की केयर करना, यू नो लाइक आप पास्ट में ना बहुत ही ट्रू लग रहे हैं, बहुत ही एक साफ दिल के इंसान जो सबके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, जो काफ़ी जल्दी लोगों के लिए लव्ड फील करता है, यू नो तो इस टाइप के लविंग इंसान दिख रहे हैं आप। और बट एट द सेम टाइम आयरनी ये है कि आपने पास्ट में बहुत सारा समय अकेले भी बिताया है और यूनिवर्स के साथ भी बिताया है। उसके बाद और क्या हुआ है पास्ट में, पास्ट में आप नाइन ऑफ पेंटिकल अगेन, देखिए अगेन आपकी ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन इस कार्ड में ये जो नाइन ऑफ पेंटिकल है, जैसे ये भी 9 नंबर था हर्मिट का, ये भी 9 नंबर है नाइन ऑफ पेंटिकल का, तो नाइन ऑफ पेंटिकल भी ये बताते हैं कि अपने आप में रहना, अपने आप में चिल करना, अपनी लाइफ को इन्जॉय करना, अपने काम पर फोकस करना, अपनी लाइफ पर फोकस करना, बहुत सारा समय आपने अकेले में बिताया है एक्वेरियस। और ऐसा नहीं है कि आपने उस समय को इन्जॉय नहीं किया, देर इज अ यू नो हाई चांस कि
आप फन करते हो अकेले में, अकेले घूमना आपको पसंद है, अकेले वॉक्स पे जाना पसंद है, जिम जाना पसंद है, आपको मी टाइम पसंद है, तो ऐसा कुछ कुछ यहाँ पे दिख रहा है। और आप बहुत ही ज़्यादा, आप में से कुछ लोग स्पेशली बहुत ही ज़्यादा करियर को लेके फोकस्ड भी थे, आप लोगों ने पास्ट में करियर पे अपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आप शायद से बहुत ही समझदार स्टूडेंट थे, या फिर बहुत ही इंटेलिजेंट थे, या फिर आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे ऐसा लग रहा है। उसके बाद डेविल एनर्जी है यहाँ पे और टेम्परेंस है, कुछ डेविल एनर्जी से आपको डील करना पड़ा है लाइफ में अर्ली ऑन, किस कुछ लाइफ में अर्ली ऑन, कुछ सालों पहले की बात हो सकती है जहाँ पे आपको डेविल एनर्जी से डील करना पड़ा है। डेविल एनर्जी मतलब कि हो सकता है कि आप जब छोटे थे, या फिर टीन एज में थे, या फिर कुछ साल पहले, आपके आसपास बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी। टॉक्सिसिटी आपके फैमिली में हो सकती है, टॉक्सिसिटी आपके रिलेटिव्स में, या फिर जिन लोगों के साथ आप हैंग आउट करते थे, शायद से आप गलत संगति में थे, मतलब कि कुछ ना कुछ टॉक्सिक आपके साथ में हुआ है। और मुझे ये चाइल्डहुड या आपके टीन एज का लग रहा है कि आप कुछ गलत लोगों के साथ में पड़ गए थे, या फिर कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंगर था, रिजेंटमेंट था, और आपने शायद अपने पेरेंट्स का गुस्सा बहुत ज़्यादा झेला हो, या फिर ऐसे फ्रेंड्स मिले हों जो आपको गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहे हों, तो थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पे टॉक्सिसिटी है जो लाइफ के अर्ली ऑन आपने झेला है। कुछ लोगों के लिए पैसों की बहुत ही एक्सट्रीम प्रॉब्लम भी हो सकती है कि बचपन में आपने, अगर ये टॉक्सिसिटी और कुछ नहीं है तो फिर ये पैसों की प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आपने समहाउ पैसों की वजह से प्रॉब्लम झेली हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपकी तरफ सिर्फ आपके पैसों के लिए आपसे अट्रैक्ट होते हो, या फिर आपके पैसों के कारण आपके आसपास आते हो। बट ये जो भी टॉक्सिसिटी थी, विद टाइम आपको रियलाइज हुआ कि ये जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है ये टॉक्सिक है, और आपने उसमें एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की, या फिर उस जगह से निकलने की कोशिश की, या फिर थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करने की कोशिश की, आप सक्सेसफुली इस डेविल एनर्जी से निकले हो टेम्परेंस में, ऐसा समझ में आ रहा है। उसके बाद पास्ट में है टेन ऑफ वांड्स और है टू ऑफ सॉर्ड्स। एक टाइम आपके पास्ट का ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या फिर बोझ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा था, और आपको लाइफ को अपनी आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। ये वैसी एनर्जी है कि लाइफ के कारण हम बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलम हो गए हैं, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है लाइफ में, या फिर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारा काम है, बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं जो हमें ठीक करने हैं, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो आई थिंक आपने लाइफ में एक ऐसा पॉइंट देखा है एक्वेरियस, जहाँ पे लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था लाइफ को आगे बढ़ाना, और आपने लॉस्ट भी फील किया है इसी फेज में कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये जिम्मेदारियाँ कैसे हैंडल करूँ, या फिर ये जो इमोशनल बोझ है, मेरे खुद के इमोशंस का जो बोझ है उसको कैसे हैंडल करूँ, लाइफ में अब किस डायरेक्शन में जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, जो प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ उनका कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं है। तो पास्ट का आपका एक ख़राब पॉइंट या ख़राब फेज दिख रहा है जो कुछ महीनों तक हो सकता है चला हो, या कुछ सालों तक चला हो, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे इस पीरियड में आपने बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट फील किया था, डायरेक्शन लेस फील किया था, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ में क्या करना है, तो ये एक पीरियड दिख रहा है। उसके बाद पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है और थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत बार आपने कुछ नई चीज़ें ट्राई करने का सोचा, बहुत बार आपने रास्ते अपने चेंज करने के सोचे, आपने कई बार कुछ काम करने के सोचे, या फिर कुछ रिलेशनशिप्स में आप गए पर वो भी वर्कआउट नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि कोई पाथ आपने चूज़ किया था पास्ट में बट वो पाथ वर्कआउट नहीं किया। ये कोई करियर गोल भी हो सकता है जो आपने पास्ट में चूज़ किया था बट अर्ली ऑन ही आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी बिकॉज ये चीज़ आपकी लाइफ में काफ़ी पेन लेके आई है, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में गए और उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि ये रिलेशनशिप काम नहीं करेगा। तो कोई डायरेक्शन आपने चूज़ किया था और उस डायरेक्शन को चूज़ करने के बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि वो डायरेक्शन मेरे लिए सही नहीं है, या फिर जो जिस तरीके से आपने जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी उस चीज़ की वो पूरी नहीं हुई। तो पास्ट में आप एक्सट्रीमली हर्ट भी दिख रहे हो। एक और चीज़ पास्ट में कुछ लोगों की के लिए है कि आपको शायद अपना शहर, अपना घर या अपनी फैमिली छोड़ के जाना पड़ा फॉर स्टडीज़ पर्पसेस, हो सकता है जॉब, हो सकता है मे बी आपकी शादी हो गई, जो भी रीज़न हुआ, तो एक ये टाइम भी था कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ा और इस चीज़ ने भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था इनिशियली। उसके बाद में है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी और द लवर्स की एनर्जी, बट अलॉन्ग दिस वे, इवन दो आपकी बीच की जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट दिख रही है, बट
इस डिफ़िकल्ट जर्नी में कुछ चीज़ें आपने सेलिब्रेट भी की हैं, कुछ अच्छे लोग भी मिले हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स दिख रहा है और लवर्स दिख रहा है, तो यहाँ पे फॉर श्योर आपने कुछ अच्छी चीज़ें अलोंग द वे एक्सपीरियंस की हैं अपनी लाइफ में। कुछ अच्छे लोग हैं आपकी लाइफ में, स्पेशली पास्ट में दिख रहे हैं, जिन लोगों ने, जिनके साथ में आपने अपनी लाइफ को शेयर भी किया है, जिनके साथ में आपने अपनी लाइफ को सेलिब्रेट भी किया है। तो इवन दो मोस्टली टफ चीज़ें दिख रही हैं, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा क्लिक हो रहा है, ये साइड नोट है, सबके लिए तो नहीं होगा, बट बचपन में या फिर टीन एज टाइम पे शायद आपने ये एक्सपीरियंस किया हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको समझे या फिर जो आपको अंडरस्टैंड कर पाए, इसीलिए शायद आपने काफ़ी सारा वक्त अपना अकेले बिताया या खुद पे फोकस करने पे बिताया। बाकी ये भी हो सकता है कि आप ऐसे इंसान रहे हो जिसको अकेले रहना पसंद हो। उसके बाद टू ऑफ वांड्स की एनर्जी है, ओके, गलत डायरेक्शन के बाद में आप सही डायरेक्शन पे भी गए हो, कुछ अच्छी चीज़ें आपके करियर में आपको मिली हैं या फिर आप अभी कर रहे हो, बिकॉज़ पास्ट में आपने कुछ डायरेक्शन अपना चेंज किया, डायरेक्शन आपने सुधार लिया, तो कुछ चीज़ें गलत हुई थी पास्ट में बट आपने उनको सुधारा भी है। और यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल है, सेवन ऑफ पेंटिकल बता रहे कि जो आपने डायरेक्शन सुधारा उसके बाद आपने काफ़ी कुछ इस डायरेक्शन से गेन भी किया। मेरे कहने का मतलब क्या है कि कोई आपने जॉब ज्वाइन की या फिर कोई आपने स्टडीज़ की हैं या फिर कहीं पर आपने मेहनत की है, कहीं पर आपने एफ़र्ट लगाए हैं और उस एफ़र्ट में आप सक्सेसफुल भी होते हुए दिख रहे हैं पास्ट में, मतलब कुछ सक्सेस आपको येस मिली है पास्ट में। उसके बाद थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी है और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, ओके, तो यहाँ पे आप कुछ और प्लानिंग कर रहे थे और आपकी डेस्टिनी ने कुछ और प्लानिंग आपके लिए की है। आप पास्ट में पीछे पलट के देखोगे, आपके पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ प्लान कर रहे थे पर आपकी डेस्टिनी ने कुछ और आपके लिए प्लान किया हुआ था। तो ये चीज़ अच्छी भी हो सकती है कि बहुत ही आप में से कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीम अच्छी चीज़ हुई हो, मतलब ये ऐसा है कि हमने सोचा नहीं था कि हम इस जॉब में जाएंगे या करियर में जाएंगे, बट अचानक से ये पाथ हमने पकड़ लिया, अचानक से हम बिजनेस में चले गए या फिर अचानक से हम इस फील्ड में चले गए। हमने सोचा नहीं था कभी कि हम इस शहर में रहेंगे या फिर ये वाली डिग्री लेंगे या फिर ये वाली पढ़ाई करेंगे, और अचानक से पता नहीं किस्मत ने क्या गेम खेला कि हम इस लाइन में आ गए या फिर हम इस कनेक्शन में आ गए। तो कुछ ना कुछ डेस्टिनी ने ऐसा गेम खेला है कि आप लाइफ में पास्ट में वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे आपने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये करूँगी। जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टैरो रीडिंग लाइफ में करूँगी, आज से 3 साल पहले मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं टैरो रीडिंग्स करने वाली हूँ लाइफ में। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है कि आप कुछ प्लान कर रहे थे बट डेस्टिनी ने कुछ अलग ही आपके लिए चीज़ कर दी है। उसके बाद द टावर है, उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है दो चीज़ें हैं, यहाँ पे पास्ट में आपकी स्टेबिलिटी ब्रेक हुई है, आपकी स्टेबिलिटी ब्रेक हुई है और कई सारे लोग ऐसे आपकी लाइफ में आए हैं जिन्होंने आपको पीछे खींचने की कोशिश की है। आप जब भी लाइफ में कुछ अच्छा करते हो, ये चीज़ आप आज भी एक्सपीरियंस करते होंगे कि आप जब भी लाइफ में अच्छा करते हो तो या तो लोग जिंक्स करते हैं या उसको नज़र लगाने की कोशिश करते हैं या फिर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या तो कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जिनका इंटेंशन आपके लिए अच्छा नहीं होता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप मैरिड भी है ना, तो मैं आपको मैरिज का एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप मैरिड हैं और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है तो कोई ना कोई आ जाएगा कुछ ऐसा करने जिससे कि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो जाएं, जैसे कि आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकता है, या फिर आप अच्छा खासा जॉब कर रहे हो या फिर आप पैसे कमा रहे हो तो कोई पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा जो कोशिश करेगा आपकी चीज़ों को ख़राब करने का। तो जब जब आप एक अच्छे हायर लेवल पे जाने लगते हो, हायर पोजीशन पे जाने लगते हो, तो कोई इंसान आता है और इसको ख़राब करने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ भी आपने एक्सपीरियंस की होगी, शायद से आपको ऐसा फील होता होगा कि जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ तो किसी की नज़र लग जाती है या फिर जिंक्स हो जाती है मेरी चीज़ें, और ये पास्ट में एक्चुअली हुआ है क्योंकि आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनके इंटेंशन थोड़े आपके लिए शायद से अच्छे नहीं हों, या फिर कोई एक पर्सन तो दिख रहा है, आई डोंट नो ये पर्सन कौन है, बट ये पर्सन पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इशूज़ क्रिएट करके इस पर्सन को अच्छा लगता है, या फिर ये पर्सन करता है इशूज़ क्रिएट आपकी लाइफ में, स्पेशली जब आप लाइफ में अच्छा करने लगते हो। तो
यस, किसी का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में दिख रहा है. उसके बाद में चैरियट है और नाइट ऑफ कप्स है. चैरियट और नाइट ऑफ कप्स ये बता रहे कि पास्ट में, अगेन आपके पता है पास्ट में बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ें हैं, जैसे द चैरियट है, टू ऑफ वांड्स है और टू ऑफ सॉर्ड्स था. ये टू 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 की एनर्जी, ये डिसीजन लेने वाली एनर्जी ऐसी समझ में आ रही कि लाइफ में कई बार आप ऐसे पॉइंट पे खड़े हुए हैं जहाँ पे आपको टफ डिसीजन लेने पड़े हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही एक टफ सिचुएशन ने लाइफ में डाल दिया हो कि अब चूज करो कि ये चाहिए या ये चाहिए, और आप ये सोच रहे हो मेरे लिए पर डिसीजन लेना मुश्किल है या फिर कन्फ्यूजिंग है. अभी ये बहुत ही वॉलेटाइल नेचर भी आपकी लाइफ का, आपका पास्ट बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजरे हो. ऐसा नहीं है कि हमेशा डाउन ही रहा है, बट बहुत बार चेंजेस बहुत बार आए हैं आपकी लाइफ में. यू नो, कुछ लोग होते ना जिनकी लाइफ में एक ही जैसा सब कुछ चल रहा होता है, स्टेबिलिटी बचपन से लेके बड़े होने तक बहुत ही नॉर्मल लाइफ चल रही होती है. आपकी लाइफ में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लाइक बार बार डायरेक्शन चेंज होते हैं, या तो आप खुद करते हो या तो लाइफ आपको मजबूर कर देती है आपके डायरेक्शंस को चेंज करने पे. बट अभी जो पास्ट में आप जिस भी डायरेक्शन पे पास्ट में आप चले हो, वो डायरेक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है. उसके पहले भी आपका डिसीजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था. तो यस, वोलेटाइल दिख रही है काफ़ी आपकी लाइफ पास्ट में, बट इस वोलेटाइल नेचर ने आपकी लाइफ के आपको बहुत कुछ दिया भी है, और आपकी लाइफ को बहुत बार टर्न किया ना, आपकी लाइफ बहुत बार टर्न हुई है ऐसा समझ में आ रहा है. उसके बाद टू ऑफ कप्स की एनर्जी है पास्ट में और फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी. बहुत ही अच्छा किसी से कनेक्शन आपने पास्ट में शेयर किया है, और ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा हाईलाइट हो सकता है. हो आप जब भी पीछे पलट के देखते हो अपनी ज़िंदगी में, तो आपको ये पर्सन याद आता हो सकता है, पर्सन अभी भी हो, आई डोंट नो, बिकॉज हम काफ़ी पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी है. किसी पर्सन से आपकी लाइफ का हाईलाइट ये है कि किसी पर्सन से आपने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉन्ड को शेयर किया है या फिर एक्सपीरियंस किया है. मतलब ये सोलमेट कनेक्शन की तरह आपने एक्सपीरियंस किया है किसी के साथ में बॉन्ड को, और आप जब भी इस कनेक्शन को देखते हो तो आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग आती है कि ये कनेक्शन मेरी लाइफ का बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन है. और कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड भी आपका हो सकता है, बट आई थिंक मुझे ये रोमांटिक कनेक्शन लग रहा है आपका, कि ये वो रोमांटिक कनेक्शन है जो आपकी लाइफ का वो एक हाईलाइट कनेक्शन है जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा. अब मैं नहीं चाहती कि आपको पुरानी चीज़ें याद आने लग जाए, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे. और इसी कनेक्शन ने आपको थोड़ा सा टफ टाइम भी दिया है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं. आई डोंट वॉन्ट टू रिमाइंड यू ऑफ एनीथिंग. तो चलिए अब भी हम करते हैं फ्यूचर की बात, कि फ्यूचर में आपकी पर्सनालिटी, मैंने ऑलरेडी बता दी कि आपकी पर्सनालिटी कैसी थी, राइट? इज देयर एनीथिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू? बस मुझे काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, और लाइफ में काफ़ी सारे बार बार चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं. हाँ, चलिए अब प्रेजेंट के बारे में डिस्कस करते हैं. एक्वेरियस प्रेजेंट में है फोर ऑफ वांड्स और है थ्री ऑफ पेंटिकल. सी, अभी मुझे प्रेजेंट, पास्ट में भी फोर ऑफ वांड्स हमने देखा था, प्रेजेंट में भी फोर ऑफ वांड्स मैंने देखा है. इन दोनों फोर ऑफ वांड्स के आने के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, बट प्रेजेंट में ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ बिल्ट कर रहे हो. ओके, आप कुछ बिल्ट कर रहे हो. यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल है, आप कुछ बिल्ट कर रहे हो. ये आपका करियर हो सकता है, ये आपका बिजनेस हो सकता है, ये आप किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप बिल्ट कर रहे हो. ये करंट में चल रहा है, बट ये जो भी आप बिल्ड कर रहे हो ना, ये आपके लिए बहुत ही एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होने वाला है. तो करंट में आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, अपना करियर बना रहे हो, अपना किसी के साथ में रिलेशनशिप बना रहे हो, या फिर कुछ तो आप क्रिएट कर रहे हो, अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ हो सकता है आप क्रिएट कर रहे हो. बट ये जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल है, थ्री ऑफ पेंटिकल किसी चीज़ का एस्टैब्लिशमेंट रखना और किसी चीज़ की शुरुआत होना ही बताता है कि अभी यू नो बहुत ही बेसिक लेवल पे हैं हम किसी चीज़ के. बट ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आ रही है, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेके आ रही है. तो या तो आप करियर बिल्ड कर रहे हो अपना, या तो ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि फोर ऑफ वांड्स कई बार यू नो वेडिंग भी बताता है, एंगेजमेंट भी बताता है, बट ये सेलिब्रेशन भी बताता है. तो कुछ भी हो सकता है, बट समथिंग इज़ कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में जो कि आपके लिए बहुत ही एक्सट्रीमली पॉजिटिव है. उसके बाद पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है और सिक्स ऑफ वांड्स की एनर्जी. इसी दो दो सक्सेस के कार्ड आए हैं, और अगेन एक ऐसा कार्ड आया है जो कि एस्टैब्लिशमेंट रखना बताता है. ओके, अब मैं क्या बोलना चाहती हूँ मैं बताती हूँ. यहाँ पे आपने करंट में इस चीज़ को ध्यान रखना, ये चीज़ आपको लाइफ में हेल्प कर सकती है.
सी करंट में पेज ऑफ वांस की एनर्जी है, मतलब कि आपकी लाइफ में आपके हाथ में एक वान आया है. ओके ये वान जो है, मैं वान बोलते हैं इसको बेसिकली, पर मैं वान नहीं बोलती बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट टू प्रोनंसिएशन में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है बार बार बोलना. तो ये जो पेज ऑफ वांस की एनर्जी, आपके हाथ में एक वान है. ओके और इसको देख के आप एक्साइटेड फील कर रहे हो, आपको ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह लग रहा है, आपको ये बहुत ही अच्छा लग रहा है. ओके आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बट ये पेज ऑफ वान है, मतलब अभी शुरुआती हुई है, ये बहुत ही इनिशियल फेजेस में है, ये चीज़ अपने बहुत ज़्यादा इनिशियल फेजेस में है, बट ये प्रेजेंट में चीज़ आपको एक्साइट कर रही है. ओके तो इसको इस तरीके से समझिए कि ये आपका कोई नया इंटरेस्ट हो सकता है. मैं सारे एग्जांपल देके समझाऊंगी आपको. ये नया इंटरेस्ट आपका हो सकता है कि मुझे एक करियर में इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे मुझे यूट्यूब में अचानक से इंटरेस्ट आने लग गया और मैं यूट्यूब पे वीडियोस कैसे बनाते हैं मैं उसके बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, और ये बहुत ही नई चीज़ है. या तो आपने शुरू कर दिया है ऑलरेडी इसको करना, या तो आप बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड हो, तो ये कोई करियर ऑप्शन हो सकता है. ये कोई पर्सन हो सकता है कि जिसको आप देख रहे हो, आप उसमें बहुत ज़्यादा पर्सन में इंटरेस्ट ले रहे हो, वो पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है. तो कुछ नई चीज़ है जो कि शुरू हो रही है, क्योंकि पेजेस बहुत ही छोटी सी एनर्जी होती है. देखिए यहाँ पे एक चाइल्ड की तरह पेज को बताया गया है कि मतलब कि जो डिपिक्शन है इस कार्ड का वो ये बताती कि बहुत ही छोटी सी एनर्जी है अभी, और इस कार्ड के साथ में सिक्स ऑफ वन आया है. अब क्या हो रहा है कि ये छोटा सा, ये छोटी सी एनर्जी आगे जाके आपके लिए बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि ये एक वान सिक्स वान में बदल गया है. आप भी यहाँ पे बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, और आपको कुछ सक्सेस मिली है यहाँ पे, कुछ विक्ट्री मिली है. तो मैं ये दोनों कार्ड आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपके करंट, आपके प्रेजेंट को समझने के लिए, क्योंकि प्रेजेंट में किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, और अगर इस चीज़ को आपने करना शुरू कर दिया या फिर इस चीज़ को आप राइट डायरेक्शन में लेके गए, तो आगे आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सक्सेस मिल सकती है. राइट अवे सिक्स ऑफ वांस मतलब फेमस होना या सक्सेसफुल होना, या फिर यू नो लोग आपको रिकोगनाइज कर रहे हैं, आपकी इस चीज़ को रिकोगनाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ शुरू हो रहा है, कुछ पनप रहा है आपकी लाइफ में, यू नो कोई चीज़ है. तो अगर आपको किसी चीज़, और ये स्पेशली इस चीज़ की खासियत ये है कि ये चीज़ आपको एक्साइट कर रही है. ओके एक्साइटमेंट है इस चीज़ का. तो अगर आपको किसी चीज़ में एक्साइटमेंट है तो उस पर अपना टाइम और एनर्जी दीजिए, क्योंकि आगे जाके ये चीज़ आपके लिए सक्सेसफुल होगी. ओके इसीलिए मैं इतना ज़्यादा आपको ये एक्सप्लेन कर रही थी प्रेजेंट का कार्ड. उसके बाद में सन की एनर्जी है और टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है. प्रेजेंट में आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स हुई हैं एक्वेरियस, कुछ एंडिंग्स हुई हैं, और ये एंडिंग्स किसी रियलिटी के पता चलने के बाद हुई हैं. प्रेजेंट में कुछ एंडिंग्स को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, किसी चीज़ पे रोशनी पड़ी, उस चीज़ का आपको सच दिखा, और वो चीज़ फिर ख़त्म हो गई. तो हो सकता है कि लाइफ में आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, या फिर लाइफ में आपके कुछ चीज़ें हों, फिर आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं नहीं ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है. जब आपको उस चीज़ की रियलिटी पता चली, उस काम की या फिर उस सर्कमस्टांसेस की रियलिटी पता चली, तो आपने डिसाइड किया कि मुझे इसको एंड करना है, या फिर आपने इसको एंड किया है. ये कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है प्रेजेंट में कि जो पहले चीज़ आपको हैप्पीनेस देती थी, ये कोई पुरानी चीज़ है, जो पहले आपको हैप्पीनेस देती थी, अब उस चीज़ ने आपको हैप्पीनेस देना छोड़ दिया है, या फिर अब भी आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा उस चीज़ में, या फिर किसी चीज़ की आपको रियलिटी पता चली तो आपने उसको ख़त्म कर दिया या छोड़ दिया. जैसे फॉर से कि आपकी कोई नई फ्रेंडशिप होना शुरू हुई हो, या फिर पुरानी फ्रेंडशिप हो, नया नहीं है ये, कुछ पुराना है, तो पुरानी फ्रेंडशिप हो आपकी, बट आपको फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज़ हुआ कि जिस पर्सन के साथ मैं फ्रेंडशिप में हूँ वो पर्सन के इंटेंशन मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आपने वो फ्रेंडशिप ख़त्म कर दी. या फिर आप पहले किसी जॉब में थे, यू नो किसी करियर के पीछे भाग रहे थे, बट आपको देन रियलाइज़ हुआ कि ओके ये चीज़ इतनी भी ठीक नहीं है मेरे लिए, तो आपने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया. तो आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ रियलिटी के पता चलने के बाद में, किसी चीज़ पे रोशनी पड़ी है, अब वहाँ पे कुछ एंडिंग्स हैं. तो प्रेजेंट में आप में से कई सारे लोग किसी एंडिंग वाले टाइम से भी गुजर रहे हैं, किसी चीज़ का अंत चल रहा है यहाँ पे. देर इज़ अ चांस कि ये चीज़ पहले ही हो चुकी हो, बट अभी आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग मिल रही हो, या फिर ये चीज़ पहले ही हो चुकी हो बट आप अभी भी ग्रीव कर रहे हो इस चीज़ के लिए. उसके बाद एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है. आप में से कुछ लोग अपने किसी लाइफ के एस्पेक्ट में थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं और लोनली महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कोई एक प्रॉब्लम है,
प्रेजेंट में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कोई एक प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम में मैं बहुत समय से फंसी हुई हूँ, या फिर मैं ट्रैप्ड हूँ, या फिर मैं फंस गया हूँ और मुझे कोई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, और मुझे इस चीज़ से निकलने का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। इस चीज़ ने मुझे लाइफ में अटका दिया है, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, या फिर इस चीज़ से निकलना बहुत ही हार्ड है, या फिर मैं थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर रही हूँ। ऐसा कुछ कुछ आपकी लाइफ में कुछ हार्श चल रहा है, आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हो लाइफ में अभी, और आपको लग रहा है कि रास्ता बहुत ही ज़्यादा कठिन है, इससे निकलना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, इससे मूव ऑन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। अभी मैं इन दोनों चारों कार्ड्स को रिलेट नहीं करना चाहती हूँ आपस में, बट समहाउ आई थिंक ये रिलेट हो रहे हैं। अगर सबके लिए नहीं होगा तो आई एम श्योर कुछ लोगों के लिए होगा कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ का अंत हुआ है, किसी चीज़ में आपको फेलियर मिला है, और आप उस अंत में, आप उस एंडिंग में, या फिर आप उस फेलियर में इतने ज़्यादा अटक गए हैं कि आपके लिए मूव ऑन करना मुश्किल हो पा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, बट बाकी लोगों के लिए ये रियल में कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है कि लाइफ का ये एस्पेक्ट है जो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, इसमें मैं अटक गई हूँ, ये प्रॉब्लम में अटक गई हूँ, मैं निकल नहीं पा रही हूँ। तो आई एम श्योर कि जब हम आपके यू नो लाइफ लेसन्स और इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो हमें ज़रूर इसका सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर हम जब हम फ्यूचर आपका देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये सिचुएशन आगे जाके किस तरीके से अनफोल्ड होगी। एक्वेरियस, उसके बाद में स्ट्रेंथ है और किंग ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पे सी इतनी मुश्किलों, कुछ मुश्किल दिख रही है आपके प्रेजेंट में, क्लियरली हमें कुछ मुश्किल दिख रही है आपके प्रेजेंट में, बट उसके बाद भी जो आपका स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ आपका बना हुआ है, आपकी हिम्मत बनी हुई है, और आप अपने पावर में फिर भी स्टैंड कर रहे हो, इवन दो ये प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट है, बट आप स्ट्रेंथ के साथ में किंग ऑफ पेंटिकल है। मुझे लग रहा है ना कि आपको कुछ चीज़ें हिम्मत देती हैं लाइफ में, वो चीज़ें, पहली चीज़ ये हो सकती है, या तो आपके ऊपर आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हैं, तो इसीलिए आप हमेशा उस चीज़ को याद करके आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ जाते हो कि नहीं नहीं ये तो मुझे करना ही है, चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, मुझे इस पार्ट में या फिर अपने फाइनेंसेस में या करियर में मुझे सक्सेसफुल होना ही है, तो मैं गिव अप नहीं कर सकता या गिव अप नहीं कर सकती, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है या फिर अभी जो कुछ भी चल रहा है मुझे इस एरिया पे तो फोकस करना ही है। या फिर समहाउ आपका करियर और पैसे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ पेंटिकल या तो एक फाइनेंशियली बहुत ही अबंडेंट किंग होता है, या फिर ये एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहता है, तो इस किंग के पास ऑप्शन नहीं है कि ये गिव अप कर दे लाइफ में, क्योंकि या तो इसको अपने पेरेंट्स को प्रोवाइड करना है, यू नो पैसे कमा के अपने पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए पैसे कमाने, या तो इसको मन है अंदर से कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, तो इवन दो लाइफ में कुछ इश्यूज भी चलते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू करियर या फिर अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना या उन्हें प्रोवाइड करना, तो यहाँ पे एक अंदर से कॉन्फिडेंस या स्ट्रेंथ आ जाता है। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा हो, एक मोटिवेशन है आपके अंदर, एक स्ट्रेंथ है आपके अंदर, या तो वो मोटिवेशन पैसा है आपकी लाइफ में कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए, या तो आपकी फैमिली है जिसकी वजह से आप मुश्किल, कुछ चीज़ें मुश्किल होती है उसके बाद भी आप अपने स्ट्रेंथ में स्टैंड करते हुए दिखते हो, तो अभी प्रेजेंट में ये भी चीज़ दिख रही है। उसके बाद किंग ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी है और फाइव ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है। देर इज़ अ चांस कि आपकी लाइफ में कोई एक प्रॉब्लमेटिक पर्सन हो, बिकॉज मैंने किंग ऑफ पेंटिकल अभी भी देखा है, किंग ऑफ पेंटिकल मैंने पहले भी देखा था। देर इज़ अ चांस कि आप किसी वर्गो टॉरस या कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर अगर ये पर्सन वर्गो टॉरस या कैप्रिकॉन नहीं भी है तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है, जैसे कि आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे अभी भी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लाइफ में, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी आपके दिल और दिमाग का कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, आपके दिमाग उथल पुथल चल रहा है, आपके थॉट्स बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं, और उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बिकॉज़ आप एक्वेरियस हो, एक्वेरियस एक एयर साइन है, और आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हो, आप काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हो, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, पर कई बार ये जो दिमाग ज़्यादा चलता है ये ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग में भी चला जाता है, तो या तो कोई हो सकता है दिमाग में फाइट चल रही हो। अब जो एक दूसरी चीज़ मुझे समझ में आ रहा है कि आप लाइफ में थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील कर रहे हो, अभी कॉम्पिटिशन वाले मोड में हो आप प्रेजेंट में लाइफ में, ये भी चीज़ पॉसिबल है कि ओ माय गॉड मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी। सो ये भी हो सकता है कि आप
आप कंपटीशन वाले फेज़ में हो जहाँ पे आपको लोगों को पीछे छोड़ना है, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा लोगों से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, वो सेंस ऑफ कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, लोगों से आगे निकलने का बहुत ज़्यादा मन है। एक एक साइड नोट है जो ये दोनों कार्ड देख के मुझे इतनी स्ट्रांग इस चीज़ की फीलिंग आ रही है, इतनी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि आई एम श्योर ये कुछ लोगों के लिए 100% सच होगा, और कमेंट में बताइए अगर ये सच है तो। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि आप में से कुछ लोग अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हो, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हो कि मुझे लाइफ में फ्री होना है, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, मुझे इस सर्कमस्टांसेस से निकलना है, ये जो भी पैसों की प्रॉब्लम है, या फिर मुझे कहीं भी आने जाने की फ्रीडम नहीं है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे अपने मन की ज़िंदगी जीनी है, बट अभी मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मेरे पास फ्रीडम नहीं है। तो एक सेंस ऑफ जो फ्रीडम है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है आपके अंदर, जो कि आपके लाइफ में ये स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्रिएट करती है कि मुझे आज़ादी चाहिए अपने आसपास के टॉक्सिक लोगों से या फिर पैसों की प्रॉब्लम से, और मुझे इस जगह से निकलना है जिस जगह पे मैं हूँ, यू नो। उसके बाद यहाँ पे द हैंग्ड मैन है और एस ऑफ कप्स है। इमोशंस कहीं पे जाके आपके स्टक हो गए हैं। सी, ये दोनों कार्ड बेसिकली ये बताते हैं कि व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ हार्ट, जब लव लाइफ की बात आती है। अब लव लाइफ ज़रूरी नहीं है कि आप एक यंग इंसान हो जो कि शादी करने का वेट कर रहे हो या रिलेशनशिप में आने का वेट कर रहे हो। हो सकता है कि आप मैरिड हो, बहुत सालों से मैरिड हो, हो सकता है कि आप मैरिड नहीं भी हो। नो मैटर आप लाइफ में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, नो मैटर कि आपके पास लाइफ पार्टनर है या नहीं है, बट जो लव मैटर्स होते हैं ना, उसमें आपको लगता है कि आपको वो प्यार नहीं मिलता है जो आप चाहते हो, जिस टाइप की फीलिंग आप चाह रहे हो, जिस मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में यू आर क्रेविंग फॉर लव। मे बी यू हैव अ पार्टनर, मे बी यू डोंट हैव अ पार्टनर, बट यू आर क्रेविंग फॉर लव। ऐसा लग रहा है कि आप लव डिप्राइव्ड लग रहे हो मुझे थोड़े से, और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे, या फिर कोई आपको अंडरस्टैंड करे। आपको अक्सर ऐसा लगता है कि बस ये वाला लाइफ का पार्ट है, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, और बहुत टाइम से इस चीज़ में आप स्टक हो कि कोई वो इंसान नहीं मिल रहा जिससे आप अपनी इमोशंस या लाइफ को शेयर कर सको, कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा जो आपको लव्ड फील करवा सके, यू नो। एंड आई एम श्योर कि हम जब फ्यूचर में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसका आगे क्या होने वाला है, बट येस यू आर क्रेविंग फॉर लव इन प्रेजेंट मोमेंट, वो मुझे समझ में आ रहा है। अब और ये सारे कार्ड्स देख के ये भी समझ में आ रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसा सोचते हो कि करियर में तो मैं कर लूँगी, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, बट ये लव लाइफ का क्या होगा, या फिर लव लाइफ ये एग्जैक्टली लव लाइफ नहीं है यार, ये वो चीज़ है कि हम क्रेव करें कि कोई हमें इमोशनल सपोर्ट दे या फिर इमोशनली हमें अंडरस्टैंड करें, राइट एक्वेरियस। एंड और ये बस एक फेज़ है, ये बिल्कुल भी ऐसा हमेशा नहीं होगा, क्योंकि हैंग्ड मैन बताते हैं कि एक समय में बहुत ज़्यादा टाइम तक हम स्टक हो गए, तो हमें बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा होपलेस लग रहा है उस सिचुएशन को लेके, और ज़रूरी नहीं है कि ये आगे भी हो, एंड बिल्कुल भी आगे भी नहीं चलेगा, क्योंकि हैंग्ड मैन बताते हैं कि अभी फंसा हुआ, ये मामला थोड़ा सा फंसा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ आपको मिलेगी नहीं, ज़रूर मिलेगी, बट अभी ऐसा फेस चल रहा है जहाँ पे आप डिप्राइव थोड़ा सा फील कर रहे हो इस चीज़ के लिए। उसके बाद में टू ऑफ पेंटिकल है, और ओ माय गॉड, थोड़े से लॉस्ट भी हो आप लाइफ में। जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, प्रेजेंट में भी आप ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसी चीज़ में, किसी मैटर में, पूरी ज़िंदगी में तो नहीं होगा आई एम श्योर, किसी एक पर्टिकुलर मैटर में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, आपको क्या चूज़ करना चाहिए। यहाँ पे भी दो ऑप्शन हैं, आप आगे पीछे हो रहे हो, आप अपना मन नहीं बना पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके प्रेजेंट में दिख रही हैं। अब भी हम सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे जो कि आपका फ्यूचर है, और फ्यूचर के कार्ड्स मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम से अपने इंट्यूशन को फॉलो करके लेने हैं, तो इट विल टेक सम टाइम। ओके एक्वेरियस, लेट्स सी कि आने वाले फ्यूचर में क्या चीज़ें दिख रही हैं आपकी लाइफ में। फ्यूचर
वेकेशन, ओके। पहले तो 6-7 में, अगले 6-7 महीने में आप कहीं पे छुट्टी पे जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे एक्वेरियस, तो एक अच्छी चीज़ होगी कि थोड़ा सा आप ब्रेक लोगे लाइफ में, जो भी कुछ चल रहा है, जो भी टेंशन चल रही है, जो भी दिमाग में स्ट्रगल्स चल रहे हैं आपके, उससे आप ब्रेक लेते हुए दिख रहे हो। 6-7 महीने में कहीं ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और आप ट्रैवल करोगे, वेकेशन पे जाओगे। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। अगले कुछ महीनों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अपने गुस्से पे आपको थोड़ा सा काबू रखना है। ये गुस्से पे काबू नहीं रखना है, यहाँ पे मैसेज ये है कि आपको अगले कुछ महीनों में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसी भी सिचुएशन को समझदारी से और अपने दिमाग से हैंडल करें, ना कि अपने इम्पल्सिव डिसीजन या एंगर से, ओके। उसके बाद है प्लेजर विथ अ क्लोज फ्रेंड। तो कुछ फ्रेंडशिप्स आपकी बहुत ही अच्छी दिख रही हैं अगले कुछ महीनों में। सो कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप अपने लाइफ को शेयर करने वाले हो, या फिर कुछ प्लेजर प्लेजर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ अच्छा टाइम आप कुछ अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करोगे। ओल्डर मैन, आपकी लाइफ में कोई मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है, कोई ओल्डर मैन है आपसे उम्र में बड़े हैं, इनका रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगले कुछ महीनों में आपकी लाइफ में दिख रहा है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, कोई मेंटोर हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, बट ये पर्सन जो यहाँ पर हैं इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी और इंपॉर्टेंट रोल ये पर्सन प्ले करेंगे। ओ माई गॉड, आई लव दिस। अ विश इज़ ग्रांटेड। अगले कुछ महीनों में आपकी कोई विश है जो पूरी हो रही है, कोई विश जो आप बहुत ही ज़्यादा दिल से चाहते हैं, कोई ऐसी विश जिसके लिए आप बहुत ही समय से प्रेयर्स कर रहे हैं। अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। आपकी करियर में कोई बहुत ही एक अच्छा पाथ है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, और इस पाथ पे आप चलना शुरू कर देंगे अगले कुछ महीनों में। और आपकी लाइफ में पैसों का यहाँ पे अबंडेंस दिख रहा है एक्वेरियस कुछ महीनों में, तो पैसे लाइफ में अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। कोई कोई ऐसा रास्ता आप डिस्कवर करेंगे, या फिर किसी ऐसे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि उस पे जब आप चलना शुरू करेंगे तो आपको पैसों की कमी नहीं होगी। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशन और हेट। तो या तो आप, या तो नहीं, यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अगर 100% नहीं हुए तो 80% लोग आप में से ऐसे हैं जो बहुत ही स्ट्रांगली अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं। और ये पैशन को फॉलो करना मतलब ये नहीं है कि आप उस पैशन से पैसे कमाओगे, हो सकता है आप पैसे भी कमाओ। दिस इज़ समथिंग जो आपकी लाइफ में ना एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है। कुछ आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो जिससे कि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड फील हो रहा है आपको। तो कुछ आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, जैसे कि शायद अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो आप सिंगिंग वापस से शुरू कर रहे हो, डांसिंग पसंद है तो वो शुरू कर रहे हो, आप पेंट कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप कुछ क्राफ्ट कर रहे हो, आपको जो दिल से जो चीज़ आपकी लाइफ में खुशी लेके आती है ना उस चीज़ को आप कर रहे हो, और ये चीज़ आपके स्टेट ऑफ माइंड को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कर रही है। उसके बाद है समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल और इनसिंसियर। आपकी लाइफ में फ्यूचर में मुझे ये दो कार्ड्स दिखे थे, उससे मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक इंसान है जो अभी भी थोड़ी सी टॉक्सिसिटी लेके आता है, और चाहते और ना चाहते हुए आपको इस पर्सन को फेस करना ही पड़ता है। जैसे आपका बॉस हो सकता है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई एक आध फ्रेंड हो सकता है, ये पर्सन आपको फ्यूचर में भी थोड़ा सा परेशान करता हुआ दिख रहा है, या फिर परेशान नहीं कर रहा, आप बेसिकली इस पर्सन से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो। एंड आई एम सॉरी, मैंने यूनिवर्स से इंटेंशन रखा था कि छोटी और बड़ी सारी रेलेवेंट चीज़ें हमें पता चले, तो यस, ये बात बहुत ही छोटी सी है, बट अगर कोई पर्सन है आपके आसपास और आप उससे डील करने का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो क्योंकि ये पर्सन फ्यूचर में भी आपकी लाइफ में दिख रहा है, तो आई थिंक आपको इस पर्सन से थोड़ा सा डिटैच होने की ज़रूरत है, ओके। उसके बाद है ओके, इसी पर्सन से आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी दिख रहे हो, सेम रिलेटेड कार्ड आया है। उसके बाद है हैप्पीनेस, यस। सो आई वॉज वेटिंग फॉर सम हाउस कार्ड, कि हमें हाउस कार्ड मिले, और हमें हाउस कार्ड आया है, तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं क्योंकि आपकी कोई विश पूरी हो रही है, क्योंकि पैसा आते हुए दिख रहा है। एटलीस्ट आप ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जहाँ पे पैसे कमाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। कुछ अच्छे लोग भी आपकी लाइफ में दिख रहे हैं, जो एक प्रॉब्लम मैं आपकी लाइफ में अभी तक आपके फ्यूचर में देख रही हूँ, वो बस एक इंसान है जो आपको ट्रिगर करता है या फिर आपको थोड़ा सा परेशान करता है, उसके बाद है टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। तो वेकेशन का दो दो बार कार्ड आया है, तो एक जो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी कि आप वेकेशन पे जाएंगे, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अ हिट।
आपको अपनी लाइफ में किसी एस्पेक्ट में, क्योंकि हमने यहाँ पे हैंगमैन भी देखा था, आपको लाइफ के किसी एस्पेक्ट में ऐसा महसूस हो सकता है कि चीज़ें बहुत ही स्लो चल रही हैं, बट एक्चुअली आपको ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें स्लो चल रही है, बट एनर्जेटिकली डिवाइन के लेवल पे, आपकी एनर्जीज के लेवल पे ये चीज़ें आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं, ऐसा कुछ हो रहा है जो कि बहुत ही टाइम लगाएगा आपकी लाइफ में होने में, बट एकदम से होगा और आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। तो बहुत ही धीरे धीरे करके आपकी लाइफ का कोई एक एस्पेक्ट है, बहुत ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। अगर ये आपके साथ में करियर में हो रहा है कि करियर में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो पेशेंस रखिए, आप वो करिए जो आपको करना है। ये चीज़ अचानक से आपकी लाइफ में होगी जब करियर चेंज हो जाएगा, या फिर आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है। जो एफर्ट आपको लगाने हैं वो लगाते रहिए, बट एनर्जेटिकली स्पीकिंग यस, इस चीज़ को आने में टाइम लग रहा है, बट ये चीज़ अचानक से आपकी लाइफ में होगी। ओके, उसके बाद है द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, बिकॉज अगले कुछ महीनों में आप ये समझ में आएगा आपको कि कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, किसी चीज़ से आपको तकलीफ हो रही थी, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, बट उसका जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। तो आप किसी प्रॉब्लम से निकलेंगे, या फिर जो चीज़ें आपको पहले बॉदर कर रही थी वो आपकी लाइफ में इररेलेवेंट हो जाएंगी, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो जो ये कार्ड ऐसा बोलता है कि जो डिफ़िकल्ट होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, अब आगे बेटर ही होंगी चीज़ें। तो इस कार्ड के हिसाब से जो खराब होना था हो चुका है, अब कुछ इससे ज़्यादा खराब नहीं हो सकता है, अब जो होगा वो बेटर ही होगा पहले जो हुआ है उससे। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। तो आपकी लाइफ में अगले कुछ महीनों में कोई ऐसा पर्सन आपको मिलेगा, ऐसी गाइडेंस आपको मिलेगी, यूनिवर्स की तरफ से मिले, किसी फ्रेंड की तरफ से मिले, किसी मेंटोर की तरफ से मिले, कोई अचानक से स्ट्रेंजर आपकी लाइफ में आ जाए, बट वो आपको आपकी गलती बताएगा कि यहाँ पे बस थोड़ा सा तुम गलत कर रहे हो, या फिर इस चीज़ को बस सुधार लो, या फिर इस माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज कर लो, और ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हो सकता है आपको किसी टैरो रीडिंग से समझ में आ जाए, यूनिवर्स आपको कहीं से भी साइन दे सकते हैं, बट ये चीज आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बनेगी, जहां पे आपको समझ में आएगा कि ओके, मुझे अब समझ में आया कि मैं कहां गलती कर रही थी और मैं इस गलती को अब सुधारूंगी। तो ये आपको छोटा सा मैसेज लग सकता है, बट ये छोटा नहीं है, बड़ा मैसेज है, क्योंकि आपका माइंडसेट ना पूरे तरीके से टर्न हो रहा है। कहीं से कुछ आपको पता चला और आपको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, मेरी ये गलती थी, मुझे रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, या फिर ये चीज़ मुझे चेंज करनी है। जैसे ही आपको रियलाइज़ होगा, आप उस पर काम करना शुरू करेंगे और आपकी लाइफ बहुत ही स्पीड से मूव करना शुरू कर देगी। अ मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हो, देखिए आप किसी स्ट्रेंजर से हाथ मिला रहे हो, किसी नए इंसान से हाथ मिला रहे हो, हो सकता है अपने करियर के लिए हाथ मिलाओ, हो सकता है ये आपकी नई जॉब हो, हो सकता है कि आप किसी के साथ मिलकर कुछ काम शुरू करें, बट आपकी लाइफ में अगले कुछ महीनों में कोई स्ट्रेंजर है जो एंटर करेगा, और इस स्ट्रेंजर के साथ में जो आपकी मीटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो सकती है। उसके बाद है सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। अगले कुछ महीनों में आप किसी चीज़ की फाउंडेशन रख रहे हो, जो मैंने पहले भी आपको यहाँ पे बताया था, ये भी सेम फाउंडेशन रखने वाला ही कार्ड था। अगले कुछ महीनों में आप किसी चीज़ को और बेटर बना रहे हो, या फिर उसकी फाउंडेशन रख रहे हो, और ये फाउंडेशन जो अभी आप रख रहे हो, ये आगे जाके आपको सक्सेस आपकी लाइफ में लेके आएगी, या फिर अगले कुछ महीनों में ही लेके आ जाए। यहाँ पे भी आप एक बिल्डिंग बना रहे थे, कुछ क्रिएट कर रहे हो आप अपनी मेहनत से, यहाँ पे भी वही चीज़ दिख रही थी। सो यस, कुछ आप बना रहे हो, यहाँ पे कोई फाउंडेशन है जो आप रख रहे हो। लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, अभी थोड़े से टेंशन में आप दिख रहे थे, प्रेजेंट के कार्ड हमने डिस्कस किए हैं, फ्यूचर में आपके हमने हैप्पीनेस भी देखा था, वेकेशन भी देखा था, और अभी क्या देख रहे हैं हम, केयर फ्री लाइट हार्टेड टाइम। आप थोड़े से केयर फ्री रहोगे, थोड़े से फ्री रहोगे, आप खुश रहोगे लाइफ में, इतनी टेंशन फ्यूचर में आपके नहीं दिख रही है जितनी टेंशन अभी है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और यहाँ पे है एक्साइटमेंट, लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट आ रहा है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम टैरो कार्ड्स लेंगे और टैरो कार्ड से आपके फ्यूचर की और ज़्यादा ग्लिम्स देखने की कोशिश करेंगे। अभी हमें क्या चीज़ मिली है इसको हम ध्यान रखते हैं, जिससे कि हमें हेल्प मिल सके। सबसे पहले कुछ तो आप पाथ यहाँ पे है, किसी पाथ पे तो या तो आप ऑलरेडी चल रहे हो, या फिर बहुत ही जल्दी चलने वाले हो, जहाँ से आपको फाइनेंशियल गेन होगा, फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा। दूसरा, आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हो या फिर घूमने जा रहे हो। तीसरा है हैप्पीनेस, तो काफ़ी खुश रहोगे आप अगले कुछ महीनों में, आपका केयर फ्री लाइट हार्टेड टाइम आते हुए दिख रहा है, किसी चीज़ के लिए आप यहाँ पे एक्साइटेड भी हो, कोई स्ट्रेंजर भी है जिससे मिल रहे हो आप और कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में।
बट कोई फ्रेंड है जो, या फिर कोई पर्सन है लाइफ में जो आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, आपको गुस्सा दिला सकता है, या फिर कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको ट्रिगर कर सकता है, इस सिचुएशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि समहाउ वो पर्सन या वो एनर्जी आपके आसपास ही रहेगी, आपको उससे डिटैच होना पड़ेगा। तो एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ मैंने हेल्थ से रिलेटेड देखी है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आएगी। ये कार्ड इसीलिए आता है क्योंकि हमें यूनिवर्स हमें ये सिग्नल या साइन देना चाहते हैं कि वो काम मत करिए जो आपके लिए ठीक नहीं है, स्पेशली आपकी हेल्थ के लिए। विच मीन्स कि अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो मीठा मत खाइए, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो वो काम जानबूझ के सेल्फ सेबोटाज अपनी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ को नहीं करना है। अगर हमें पता है कि कुछ लोगों के साथ रह के हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है तो उन लोगों से हमें थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है, और कुछ फूड कंज्यूम करके या फिर कुछ हैबिट्स के कारण हमारी अगर फिजिकल हेल्थ ख़राब होती है तो हमें यूनिवर्स ने यहाँ पे हेड्सअप दे दिया है कि वो काम नहीं करना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने सोने का ध्यान रखिए, अपने नरिशमेंट का ध्यान रखिए, अपने मल्टी विटामिंस लीजिए टाइम पे, और यू नो सो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और क्या चीज़ें हो सकती है फ्यूचर में, चलिए देखते हैं। आपकी कोई विश पूरी हो रही है, ये तो मैं आपको बताने ही भूल गई थी। चलो, हमें नाइन ऑफ कप्स ने हमें ये बता दिया है कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है, आपकी कोई विश पूरी हो रही है, और यहाँ पे भी था विश बोन। ओके, तो कोई आपकी विश है जो पूरी हो रही है, और यस। उसके बाद है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स फ्यूचर में ये बता रहे हैं कि फ्यूचर में नया एक्साइटमेंट आ रहा है। मुझे नहीं पता ये एक्साइटमेंट किस चीज़ का है, बट आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं, चाइल्ड लाइक एनर्जी में दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, ये चाइल्ड लाइक एनर्जी बहुत ज़्यादा केयर फ्री टाइम से रिलेटेड है। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा ना कि अगर आप लाइफ में थोड़े से सीरियस हो गए हैं, थोड़े से टफ एनर्जीज में आ गए, तो कुछ ऐसा होगा कि आप अपने इनर चाइल्ड में पहुंच जाएंगे। आप मतलब आप खुश रहने वाले हैं लाइफ में और लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। उसके बाद है फोर ऑफ पेंटिकल। एक कोई चीज़ है जो आपको फ्यूचर में भी परेशान करने वाली है, जिस चीज़ को आप छोड़ नहीं रहे हो, आपने पकड़ के रखा है, आपको पता है कि ये चीज़ अब एंड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, मेरे लिए ठीक नहीं है, बट आप उसको, यहाँ पे डेथ है इस चीज़ को ले जाने के लिए आ रही है बार बार, बट आप दे नहीं रहे हो। और आई थिंक ये वही सिचुएशन है जो अभी भी हमने एंड होते हुए यहाँ पे देखी थी। तो किसी चीज़ से आपको मूव ऑन करना फ्यूचर में भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ सब कुछ अच्छी जा रही है, मेरा करियर अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, पर मैं इस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको थोड़ा सा लेट गो करने पे फोकस करना है इस चीज़ को। और उसके बाद है टू ऑफ वांड्स की एनर्जी। टू ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि कुछ इंपॉर्टेंट आप डिसीजंस लोगे, और ये डिसीज़न हो सकता है ट्रैवलिंग का, बिजनेस का, मैरिज का, कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न है जो आप अगले कुछ महीनों में लोगे। और उसके बाद में है फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, जो भी मेहनत आप कर रहे हो उसका अच्छा आउटकम आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और एक बार फिर बॉटम ऑफ द डेक में थ्री ऑफ पेंटिकल है, और थ्री ऑफ पेंटिकल इज समथिंग जो हम बार बार देख रहे हैं। या तो कोई बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट हो रही है, या तो बहुत ही सॉलिड कोई रिलेशनशिप बन रहा है, या तो करियर का फाउंडेशन बहुत ही सॉलिड हो रहा है। सॉलिड फाउंडेशन क्या होता है पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि बार बार आपके लिए आ रहा है। आप अभी लाइफ के ऐसे स्टेज में खड़े हैं जहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट हो रहा है। या तो आप कोई ऐसी जॉब में जाएंगे जिस जॉब को करने के बाद में आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि वो एक्सपीरियंस ही आपका ज़िंदगी भर काम आ जाएगा। तो एक फाउंडेशन ऐसी बन रही है कि एक जॉब की पर वो जॉब इतनी सॉलिड मिल रही है कि पूरी ज़िंदगी सेट हो गई है। या तो कोई ऐसे रिलेशनशिप में हम जा रहे हैं जो कि धीरे 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 करके ग्रो हो रहा है, और ये चीज़ कोई ऐसी है जो धीरे धीरे करके ग्रो हो रही है, एकदम से ग्रो नहीं हो रही है। एक बिल्डिंग, एक फ्लोर बना बिल्डिंग का, फिर दूसरा फ्लोर बना, फिर तीसरा फ्लोर बना, तो ये धीरे धीरे करके ये चीज़ स्ट्रांग होती जाएगी क्योंकि सॉलिड फाउंडेशन है, राइट। और या फिर ये रिलेशनशिप हो सकता है जो धीरे धीरे करके इतना स्ट्रांग बिल्ट हो रहा है कि लाइफ टाइम आपको स्टेबिलिटी मिल गई किसी रिलेशनशिप की। तो इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही है, बट मेन जो चीज़ होगी वो किसी चीज़ का फाउंडेशन होगा, कोई बिजनेस का फाउंडेशन हो सकता है, राइट। अभी हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्या कोई ब्लॉकेज है, क्या कोई गाइडेंस है, क्या कोई लाइफ लेसन है जो हमें लर्न करना है, जिससे कि हम हमारी सक्सेस को स्पीड अप कर दें, और जो एक आध चीज़ें हमें बीच बीच में परेशान करते हुए दिख रही हैं फ्यूचर में भी वो परेशान करना छोड़ दें। गिव मी अ सेकेंड।
ओके लेट्स सी एक्वेरियस. अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ है जो हमें हमारी लाइफ को थोड़ा सा स्टक रख रही है, कौन से लाइफ लेसन हैं या फिर किसी के साथ हमारे कोई कर्माज हैं, क्या चीज़ें हैं जो लाइफ में कभी कभी ब्लॉकेजेस या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, या फिर यूनिवर्स की कोई गाइडेंस भी मिल सकती है. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे आप, यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कई बार ऐसा लगता है कि मेरे एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं, या फिर मैं इस चीज़ पे मेहनत कर रही हूँ, ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो रही है, या फिर ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे मिल नहीं रही है. यहाँ पे जो मैसेज है वो ये है कि अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हो, अगर आपने इंटेंशन रखे हैं, अगर आप उस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो, जो चीज़ें आपको करनी है वो आप एक्शन ले रहे हो, तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी लाइफ के ऐसे स्टेज पे खड़े हो जहाँ पे जो भी चीज़ आप चाह रहे हो या जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो वो चीज़ आपको मिलेगी. आपको ये लग सकता है कि लेट हो रहा है, स्टक है, टाइम लग रहा है, इट्स ओके, बट वो चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर. तो यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है. तो कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं आया है हमारे पास. द क्रिएटर आपके लिए तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल एनर्जीज आ रही है, और लिटरली द क्रिएटर की एनर्जी है. द क्रिएटर की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि आप अपनी लाइफ को आप खुद क्रिएट कर सकते हैं. और यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि सिर्फ फिजिकल क्रिएशन पे मेहनत मत करो, अपने एनर्जेटिक क्रिएशन पे भी मेहनत करो. ये कार्ड ये बताता है कि आप यूनिवर्स के अंश हैं, आप यूनिवर्स के एक पार्ट हैं. जो यूनिवर्स की लाइट है वो ऑलरेडी आपके पास में है, ये लाइट क्रिएशन की लाइट है. तो मैं बहुत बार मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर चुके हैं, मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा रियल है और अब साइंटिफिकली प्रूवन है. तो यहाँ पे आई थिंक यूनिवर्स आपको ये याद दिला रहे हैं कि अगर आप प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहते हो कि जल्दी जल्दी चीज़ें आपकी लाइफ में आए, तो जो पावर यूनिवर्स ने आपको पैदा करके भेजा है इस पावर का यूज़ करें. ये आपकी खुद का पावर है, क्योंकि आप एक यूनिवर्स की लाइट हो, तो ये लाइट आपके पास में है, ये मैजिक आपके पास में है. तो एक चीज़ आप में से आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा मैं क्या बोलने वाली हूँ, बट बाकी लोगों के लिए बता देती हूँ और आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि अपने मैनिफेस्टेशन पावर्स का यूज़ करिए. अगर कोई चीज़ डिले हो रही है तो उसको मैनिफेस्ट करिए कि वो जल्दी वो चीज़ आए. और मैनिफेस्ट आप कैसे कर पाएंगे, सबसे पहले तो आप अपने थॉट्स पे फोकस करिए कि दिन भर आप बैठ के क्या सोचते हैं. अगर आप नेगेटिव सिनारियो बना रहे हैं अपने दिमाग में ऑटो पायलट पे, कभी कभी थॉट्स बस आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं दिमाग पे. और जो मेरी मेंटोर है, जहाँ से मैंने ये सब चीज़ें अपने पावर को समझा है, उनके हिसाब से वो बोलती हैं कि हम बहुत लेज़ी थिंकर होते हैं, हम बहुत आलसी थिंकर हैं, हम बहुत आलसी होते हैं अपने थॉट्स में. तो जो भी थॉट्स आ रहे हैं आने देते हैं, बट अगर हम ये आलसपन छोड़ दें और हमारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं उनको हम खुद जनरेट करना शुरू कर दें. मेरे दिमाग में थॉट आए कि फ्यूचर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, अब मैं इस थॉट को चेंज कर सकती हूँ, मैं ये सोच सकती हूँ नहीं, फ्यूचर में सब कुछ अच्छा हो रहा है. जैसे हम नेगेटिव आउटकम को सोचते हैं वैसे ही हम पॉजिटिव आउटकम को भी सोच सकते हैं. हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में पैसा नहीं है, तो हम ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं, फ्यूचर में मेरे पास पैसा है. तो एक पॉइंट ये हो गया कि आप क्या थॉट्स डेली सोच रहे हो, आपको उस पर काम करना है, क्योंकि यू आर द क्रिएटर, वो पावर है आपके पास में. तो थॉट्स, सबसे पहले नंबर वन स्टेप है कि अपने थॉट्स पे फोकस करिए कि आप क्या थॉट्स क्रिएट करो, अपने थॉट्स को चेंज करो, पॉजिटिव क्रिएट करना सोचो. दिन भर क्या सोच रहे हो, किसी पे गुस्सा आ रहा है, किसी पे मेरे बॉस ने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये सब थॉट्स सोच के अच्छे थॉट्स लाना शुरू करो कि मैं वेकेशन पे घूमने जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं अपने फेवरेट लोगों के साथ में बैठी हुई हूँ, मैं अपना फेवरेट फूड कंज्यूम कर रही हूँ, आई एम लुकिंग माई बेस्ट, आई एम फीलिंग माई बेस्ट, आई एम अर्निंग वेल, मुझे जो मन कर रहा है मैं शॉपिंग कर रही हूँ, आई एम विथ माई सोलमेट और मैं अपनी लाइफ को अपने सोलमेट के साथ इंजॉय कर रही हूँ. मतलब जो भी आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना शुरू करें. दूसरा, स्टार्ट मेडिटेटिंग. मैनिफेस्टेशन में आपको सबसे ज़्यादा मेडिटेशन हेल्प कर सकता है, बिकॉज जब आप मेडिटेट करते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं. और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं आपको लाखों का नॉलेज दे रही हूँ यहाँ पे बैठ के, प्लीज़ मुझे सीरियसली लेना. तीसरी चीज़ है ग्रैटिट्यूड का मोमेंटम क्रिएट करना, ये भी सुपर पावर होता है. आप बैठो, एक डायरी ली आपने, डायरी लेके बैठो और धीरे धीरे करके जिस भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो, जिन भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो आप, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैंने आज बहुत अच्छा खाना खाया, मैं
ग्रेटफुल हूँ कि मैं एक कोजी सा बेड है मेरा, मैं आराम से रात में सोती हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे घर में कूलर है या एसी है। मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे घर के आसपास बहुत सारी ट्रीज़ हैं, या जो भी छोटी छोटी चीज़ें। मैं अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल हूँ। लिखना शुरू करो, डेली लिखो। आपके दिन भर में अगर चार भी छोटी सी भी अच्छी चीज़ हुई है, तो जैसे आप धूप में, बहुत ही धूप से आप घर में आए हो, बहुत ही गर्मी का मौसम चल रहा है, और आपने फ्रिज खोला और आपने ठंडा ठंडा पानी पिया, कितना अच्छा लगता है। तो उसके लिए भी आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो ना, बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो। तो उसको लिखो कि मैंने ठंडा ठंडा पानी पिया, मैं बाहर से आई थी और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। ऐसे आप जब आधे घंटे तक इन चीज़ों को लिखोगे ना, तो एक एनर्जेटिक अपने आप एक मोमेंटम बहुत ही प्यारा सा क्रिएट होगा, जो आपकी एनर्जीज को चेंज करेगा और आपकी तरफ चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगी, रैदर देन थिंकिंग एंड सेइंग। और चौथी चीज़ के लोगों से बोलना छोड़ो, बोलना छोड़ो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सबको ये बोलो कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। पांचवी चीज़ है कि अपनी अफर्मेशंस बोलो, अपनी अफर्मेशंस बनाओ। अफर्मेशंस बहुत हेल्प करती हैं अगर आप ये वाले सारे स्टेप्स करोगे तो। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो और अफर्मेशंस बोल रहे हो, तो वो भी हेल्प नहीं करेंगी, क्योंकि वर्ड्स सबसे पहले एनर्जीज चेंज होंगी, फिर वर्ड्स का इम्पैक्ट आएगा, राइट? तो पहले हमें मेडिटेशन करना है, एनर्जेटिक मोमेंटम क्रिएट करना है, अपने थॉट्स पे वर्क करना है। ये सब क्यों बताया? क्योंकि द क्रिएटर आया है यहाँ पे। यूनिवर्स आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि पावर बहुत सारा आपके हाथ में है एक्वेरियस, ओके? और उसके बाद है एग्जिस्टेंस। यहाँ भी यही चीज़ है कि कोई भी ऐसा सपना नहीं है आपका जो आप पूरा नहीं कर सकते हो, कोई भी ऐसा ड्रीम नहीं है। जो ड्रीम आप देख रहे हो ना, वो 100% पूरा हो सकता है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो फिज़िकल एफर्ट तो लगाते हैं, क्योंकि ये वाला आपका कार्ड इसीलिए आया है कि फिज़िकल एफर्ट तो आप लगा रहे हो, बट चीज़ें स्लो हैं, चीज़ें स्टक हैं। तो यहाँ पे अपना जो अपना पावर है उसको यूज़ करो, फिर जो भी आप ड्रीम देख रहे हो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी उन ड्रीम्स को पूरा करना, अगर आपने फिज़िकल के साथ साथ अपने एनर्जीज़ को भी चेंज करना शुरू कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। और अब कुछ और लाइफ लेसन्स देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप करना छोड़ दें, जिससे कि आपकी लाइफ और ज़्यादा बेटर हो सके एक्वेरियस। ओके, सो लेट्स सी। ऑब्सेसिव थिंकिंग, आप कई बार बहुत ज़्यादा दिमाग में सोचने लगते हो, या तो किसी पर्सन के बारे में, या फिर किसी सिचुएशन के बारे में, या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो ना, तो या तो इस सोच को पॉजिटिव कर लो, जैसा मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे दूसरी चीज़, ये कार्ड जो बोल रहा है, इस कार्ड के हिसाब से ऐसा है कि अगर आप किसी सिचुएशन, कोई सिचुएशन लाइफ में चल रही हो, करियर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, या फिर कोई पर्सन दिमाग में चल रहा है, और आप अगर ऑब्सेसिवली उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो उस पर्सन या सिचुएशन, उस पर्सन का क्या होगा या फिर उस सिचुएशन का क्या होगा, ये यूनिवर्स को आप सरेंडर कर दीजिए कि यूनिवर्स मुझे नहीं पता इस प्रॉब्लम का क्या होगा, मुझे नहीं पता इस सिचुएशन का क्या होगा, मैं अब सोच सोच के पागल हो चुकी हूँ, अब मुझे नहीं सोचना है, अब मैं इस चीज़ को आपको सरेंडर कर रही हूँ, आप ही जानो कि इसका क्या होगा, या तो मुझे कोई रास्ता बता दो, ओके? अब ये जो ऑब्सेसिव थिंकिंग है, इसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका होता है मेडिटेशन, या फिर वर्कआउट करना, वॉक पे जाना। डेली एक घंटा वॉक पे जाइए, डेली एक घंटा जिम में जाइए, ये आपकी ऑब्सेसिव थिंकिंग कंट्रोल हो जाएगी। साथ में मेडिटेशन करिए, आप नहीं इतना सोचोगे, ओके? तो इस थिंकिंग को थोड़ा सा सरेंडर करना है, सरेंडर टू योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्स आपसे आपके इंट्यूशन के थ्रू बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं ना, तो आप इस बात को सुन नहीं पाओगे। अगेन, अपने इंट्यूशन को सुनने के लिए मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइज, मैं ना मेडिटेशन के बारे में जितना बोलूँ ना, उतना कम है। प्लीज़, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, हर एक लैंग्वेज में है। पता है, कोई ये रिलीजियस चीज़ नहीं है, दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ रिलीजन। आपको आँख बंद करके बैठना है, सिर्फ एक सिंगल चीज़ पे फोकस करना है, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। आप मेडिटेशन करना प्लीज़ शुरू करिए, आपकी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी बेटर हो जाएगी, लाइक आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। ट्यून इन टू योर इनर वॉइस, बी अवेयर ऑफ एनी गट फीलिंग फ्लैशेस नोइंग और आहा। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना बहुत बार आहा मूमेंट भी आते हैं, इपिफनीज आती हैं, अचानक से कोई रियलाइजेशन होता है, अचानक से समझ में आता है कि ओ अच्छा, मुझे ये करना है, अच्छा इस चीज़ की रियलिटी ये है।
कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपके दिमाग में आइडियाज़ डालते हैं और ऐसे मोमेंट्स आपकी लाइफ में आते हैं जब आपको सब कुछ समझ में आने लगता है, आपको ये समझ में आने लगता है कि आपको क्या करना है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करे। उन सब इंट्यूशन को सुनना शुरू करिए, ओके। और सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। टाइमिंग का एक इशू रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि चीज़ें डिले हो रही है, बट यहाँ पे यूनिवर्स अगेन बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दीजिए, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होंगी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में, ओके एक्वेरियस। सो पहले तो हिट द लाइक बटन अगर कोई भी आपको वैल्यू मिली हो तो, उसके बाद कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। मैं बहुत ही जल्दी इस बार मैं जल्दी रीडिंग बनाऊंगी, ओके, इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी रीडिंग बनाऊंगी। सो नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मिलती हूँ, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, प्लीज़ गाइडेंस को याद रखिएगा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।